एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं अनन्या. आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे. आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कंसीव टेंचिडेडी विथ पीसीओएस पीसीओडी. पीसीओएस पीसीओडी जब हो जाती है तब हम बहुत टेंशन में रहती है कि शायद कंसीव करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. और पीसीओडी पीसीओएस जिनको है कंसीव में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी एक ऐसे डिसऑर्डर है और ये रिप्रोडक्टिव एज से दिखाई देता है. जब आने वाले के लिए तैयार होते हो तब से ये प्रॉब्लम दिखाई देता है. तो हम सभी के मन में यही टेंशन रहती है कि पीसीओएस पीसीओडी हो जाएगा तो कंसीव नहीं कर पाएंगे और पीसीओडी पीसीएस में कंसीव नहीं हो रहा है. तो आपको क्या करना चाहिए? पीसीओएस पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर है. वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं जिसकी वजह से पीरियड आती है. तो मेल हार्मोन भी रहते हैं लेकिन उसका एक लेवल होती है. वो लेवल से जब क्रॉस कर जाती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है मेल हार्मोन एक फीमेल के अंदर, एक वुमेन के अंदर, तब जाके पीसीओडी पीसीएस दिखाई देता है, सिस्ट बनती है. ये सिस्ट कैसे बनती है? जब आपके अंडा रिलीज नहीं होता है, एक रिलीज नहीं होता है, एक मैच्योर नहीं होता है, तब ये आपके ओवरीज के अंदर इकट्ठा होती है और ये सिस्ट की तरह दिखाई देता है. तो आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो, स्पर्म आपको करेक्ट आ रहा है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, आपके मेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म से मीट होके भी आप एक फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी कंसीव करने में. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवुलेशन. ओवुलेशन आपको नहीं होगा तो जितना ही स्पर्म से मीट करना ले आपको कंसीव नहीं आएगी. तो ओवुलेशन प्रोसेस पीसीओडी में थोड़ा वीक रहती है, यानी अंडा मैच्योर नहीं होता है. एक जैसा हेल्दी अंडा बनना चाहिए एक बेबी ग्रोथ होने के लिए, एक फिटनेस ग्रोथ होने के लिए, एक का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होती है. तो आपको तब पीसीओडी में कंसीव करना थोड़ा मुश्किल का काम रहता है. लेकिन आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आ गए, जैसे कि IVF IVI, ये सब आप कर सकते हो. लेकिन आप नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हो, नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, तो आपके लिए है ये वीडियो. देखते रहना जरूर और मेरे साथ लास्ट तक रहना, क्योंकि वीडियोज बहुत इंफॉर्मेटिव बनने वाले हैं. तो इसके वजह से किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाती है कंसीव करने में, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम. लेकिन हर किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. जिन्होंने लाइफस्टाइल थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं, लाइफस्टाइल में अच्छा लाइफस्टाइल में चल रहा है और बैलेंस डाइट में चल रहा है, उनके लिए नेचुरली प्रेग्नेंट होना पॉसिबल हो रहे हैं. आपको बेसिकली क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, आपको वेट को मैनेज में रखना है. तो वेट मैनेज में रखने के लिए आपको क्या करना है? बैलेंस डाइट, यानी स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी है आपको. आप चाहते हो तो कर लो बहुत अच्छे से डाइट फॉलो, नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा सा हेल्दी डाइट में चलना है. जैसे फर्स्ट आपको अवॉइड करनी है और स्कीप करनी है आपकी डाइट से रिफाइंड सारे चीज़ें, रिफाइंड फूड को आपको अवॉइड करनी है. जैसे रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड राइस, ये सारे कुछ, और जो भी रिफाइंड शुगर, तो ये सब कुछ आपको अवॉइड करनी है. शुगर ही चीज़ आपको नहीं लेना है, लेकिन रिफाइंड शुगर को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है. थोड़ा सा जिगरी आप ले सकते हो, थोड़ा सा शुगर केन आप ले सकते हो, मीठे फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स आप ले सकते हो, जो नेचुरली स्वीट्स मिलता है, जो नेचुरली स्वीटनर मिलता है उसे आप ले सकते हो, लेकिन रिफाइंड प्रोसेस ये सारे फूड आपको अवॉइड करनी है. पैकेज, जो चिप्स पैकेट होती है, जो बिस्किट पैकेट, कुकीज, कभी डेजर्ट केक, और कभी शुगरी फूड्स आपको नहीं लेनी है. जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सारे ड्रिंक मिलता है बाजार में, वो सारे चीज़ आपको नहीं लेना है, पैकेट प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है. तो ये सारे चीज़ आपको स्किप कर देनी है आपके डाइट में. ये पहला रूल्स है, ये आपको फॉलो करनी है आपकी डाइट में. आप जो कुछ भी खा लो घर में बनाकर वो थोड़ा हेल्दी होगा, लेकिन आपको बाहर का कोई भी तले हुए और कोई भी जैसा जंक और ये सारे चीज़ें आपको स्किप करनी है, स्ट्रिक्टली आपको स्किप कर देनी है आपकी डाइट से. तो ये सारे चीज़ें आप स्किप कर रहे हो तो आप देखोगे अपने आप ही आपके जो वेट है ना वो मेंटेन में आ रही है. तब आपको क्या खाना है? आपको ग्रीनी वेजिटेबल्स लेनी है, पालक लेनी है, सारे जो ग्रीनी वेजिस मिलता है, साग, ये सारे साग आपको लेनी है, और इसके साथ साथ आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ये सारी सब्जियाँ आपकी डाइट में ऐड करनी है. घर में बना हुआ दही ले सकते हैं, लेकिन मिल्क आपको स्किप करनी है. मिल्क को आपको पीसीओडी पीसीएस में
ना लेना ही अच्छा है, और स्पेशली जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, इस टाइम में आपको गुड फैट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश लो, इस फिश के तरह आपको गुड फैट किसी भी जगह में नहीं मिलेगी, तो फिश आप ले सकती हो, अंडा तो लो, और चिकन, चिकन में भी गुड फैट रहती है। गुड फैट आपको कोकोनट ऑयल में मिलेगी, उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हो, या आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, और जो कॉड लीवर ऑयल मिलता है उसका एक टैबलेट तरह मिलता है, उसे सप्लीमेंट बोलते हैं हम लोग, तो वो सप्लीमेंट भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। गुड फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। एक क्वालिटी जब आपको इम्प्रूव होगी ना, तब फर्टिलाइज होने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ओवुलेशन होगी तो आप जल्दी कंसीव कर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलूंगी आपका जो डायबिटीज लेवल है यानी शुगर को आपको महीने में एक बार करके चेक कर लेनी है, मॉनिटर करनी है, ये बढ़ रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा लेवल छोड़ रहा है, कम कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक फैक्टर होती है आपके कंसीव करने के टाइम में। और पीसीओडी पीसीओएस में डायबिटीज लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण ढेर सारे डिजीज भी आ सकती है, इसीलिए आपको मॉनिटर करनी है हर महीने में एक बार करके कि आपके शुगर लेवल कैसा आ रहे हैं, आपके डायबिटीज लेवल कैसा है। नॉर्मल इंसान को 3 महीने के बाद ही एक बार करके डायबिटीज चेक करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब पीसीओडी पीसीएस हो जाते हैं तब हर महीने में एक बार करके आपको मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट आपकी डाइट में ऐड करनी है, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन D, कैल्शियम, ये चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकती हो, जो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और ओवुलेशन को ज़्यादा डेवलप करने में, जैसे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो पाओ, कंसीव कर जाओ। तो ये सारे रिच फ्रूट फूड्स आपकी डाइट में ऐड करो, काफ़ी हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी पाने। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिन में 30 से 40 मिनट एटलीस्ट वॉकिंग कर लेनी चाहिए। वॉकिंग बहुत ही इम्प्रूव करती है एक क्वालिटी को, और आपके ओवुलेशन के लिए तो एक क्वालिटी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वॉकिंग कर लेना ही चाहिए। आप बाहर नहीं जा सकते हो तो घर में आप फर्टिलिटी योगा कर सकते हो, जैसे आपको कोबरा अच्छा रहेगा इसके लिए, इसके लिए आपको ब्रिज अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको बटरफ्लाई पोज अच्छा रहेगा, कैटकाउ पोज अच्छा रहेगा, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पर, फर्टिलिटी योगा फॉर पीसीओडी पीसीएस आपको मिल जाएगी इजीली, तो वो सारे चीज़ें आप घर में कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करेगी आपके एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। एक पॉइंट, आप ओवरवेट हो तो आपको वेट को लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वेट ज़्यादा बढ़ने के कारण से भी ये अंडा रिलीज नहीं होता है, एक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है, और एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको वेट को लूज करनी है। आप अभी बोलना चाहते हो कि मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा वेट बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम यानी अंडरवेट पे भी ये प्रॉब्लम दिखाई देता है, अंडरवेट में भी एक क्वालिटी अच्छा नहीं बनता है, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं होता है, तो इसे आप ध्यान में रखो। आपको अंडरवेट भी नहीं होना है, आपको ओवरवेट भी नहीं होना है, आपका जो आपके हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए उसे आपको मेंटेन करनी है। और एक मैं सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे हेल्प किए थे मेरे पीसीओडी के टाइम में, फर्टिलिटी डाइट में और कंसीव करने में जल्दी और वेट को ज़्यादा लूज करने में। वो सुबह में एम्प्टी स्टोमक आपको दालचीनी पाउडर के साथ लेना है अपल साइडर विनेगर। पहले आपको अपल साइडर विनेगर थोड़ा हुआ क्वांटिटी में लेनी है, यानी आप एक ग्लास लिपोम वाटर के साथ 1 टीस्पून अपल साइडर विनेगर ऐड करो, और सेम क्वांटिटी में आपको दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन स्टिक पाउडर लेनी है। पहले आपको 1 टीस्पून से ही अपल साइडर विनेगर लेना स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखी थी अपल साइडर विनेगर ज़्यादा आप पहले ले लोगे तो गैस्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ सकती है, गैस प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सूट करने में बॉडी के साथ इसे मैनेज करने के लिए आपको पहले 1 टीस्पून से ही स्टार्ट करनी है अपल साइडर विनेगर को, तो एम्प्टी स्टोमक आपको इसे कंज्यूम करनी है। बहुत ही हेल्प करती है वेट को लूज करने में या वेट को मेंटेन रखने में और कंसीव करने के लिए, तो आप इसे ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए ये हेल्पफुल रहा था इसलिए आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ऐसा नहीं है, हर बॉडी के साथ हर कुछ नहीं जाती है, ये पहले आपको ध्यान में रखना है, तो आप ट्राई कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो गाइस, कंसीव
नेचुरली विद पीसीओडी पीसीओएस। ये वीडियो इतना ही है आपके लिए और मैं आशा करूँगी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। ये मेरे एक्सपीरियंस से मेरे नॉलेज के हिसाब से अपने साथ मैं शेयर की हूँ। मेरा जो कुछ भी सीक्रेट था आशा करूँगी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये सब कुछ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा नोटिस करनी है। आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि मेरा ऐसे ही हो जाएगा ओनली मेडिसिन के साथ कंसीव, तो नहीं होगा। आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है और सारे कुछ फॉलो करके आपको चलना है, तो आप 2 और 3 मंथ के अंदर कंसीव कर जाओगे। वीडियो को अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, जिनके साथ वीडियो को शेयर करना जरूरी है आपके हिसाब से उनके साथ शेयर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में आके बताना मत भूलिएगा, जरूर बताइए कमेंट में आके क्या प्रॉब्लम आपको है और कौन सा सवाल आप करना चाहते हो, मेरे से पूछना चाहते हो, कुछ भी आप कमेंट में आके पूछ लो, मैं रिप्लाई दे दूंगी जितना जल्दी हो सके।